नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं राजधानी समाचार न्यूज। आइए बढ़ते हैं अब आज की खास खबरों की ओर। बड़ी खबर दतिया से। सेवड़ा सनकुआ की चेंकुर घाट पर पुलिस पार्टी पर फायर करने वाले 5,000 के इनामी आरोपियों को गिरफ्तार करने में सेवड़ा पुलिस को मिली सफलता। दिनांक 31 मई 2021 को खदान चेक कर वापस आते समय पुलिस टीम की गाड़ी पर संकुआ घाट के पास अज्ञात आरोपियों द्वारा जान से मारने की नीयत से गोली से फायर किया गया था। आरक्षक विसुन सिंह राजावत व आरक्षक दीपक प्रजापति घायल हो गए। आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अमन सिंह राठौर पुलिस अधीक्षक दतिया द्वारा अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए। अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु निरीक्षक राजू रजक थाना प्रभारी सेवड़ा, उप निरीक्षक नीरज गुप्ता थाना सेवड़ा, वैभव गुप्ता थाना प्रभारी डी पार, शैलेंद्र गुर्जर थाना प्रभारी अंतरेंटा, यादवेंद्र सिंह गुर्जर थाना प्रभारी पंडोकर के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। पुलिस अधीक्षक दतिया अमन सिंह राठौर के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल सिंह मोरी व एसडीओपी सेवड़ा उपेंद्र दीक्षित के मार्गदर्शन में दिनांक 16 जून 2021 को आरोपी उपेंद्र यादव पुत्र सोबरन यादव उम्र 20 साल निवासी कंदरपुर सेवड़ा एवं प्रदीप उर्फ नाना पुत्र जगन्नाथ यादव उम्र 33 साल निवासी मो को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से एक 315 बोर की एक बंदूक व 315 बोर का एक कट्टा जब्त किया गया। तो वही आरोपियों को न्यायालय सेवड़ा के समक्ष पेश किया गया था तथा शेष फरार आरोपी राहुल महाते, सौरभ यादव, पारस तिवारी की तलाश जारी है। दतिया से जिला ब्यूरो चीफ संजीव रिचार्य की रिपोर्ट। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। अभी कुछ दिन पूर्व सेवड़ा जो कंदरपुरा घाट पर कुछ लोगों ने फायरिंग की थी, उसमें दो आरक्षक घायल हुए थे सर, जिनमें से आज आपने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कौन है और कहां से गिरफ्तार किया? उपेंद्र यादव है, उसको पास से गिरफ्तार किया है। उससे एक 315 बोर का कट्टा जी बरामद किया गया है और एक और आरोपी है नाना और प्रदीप जी, उसको भी गिरफ्तार किया गया। उससे भी एक 315 बोर की राइफल जब्त हुई है जी। सर अभी तक टोटल कितने आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? इसमें 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी बाकी कितने हैं सर? अभी 3 आरोपियों के और है, अब इसमें जो भी साक्ष्य होगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी जी। सर मतलब जो आरक्षकों को गोली लगी थी उनका स्वास्थ्य कैसा है सर? स्वास्थ्य ठीक है, उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। अच्छा, क्या नाम है उनके आरक्षकों के सर? आरक्षकों को राज बहादुर और विशुन सिंह राजावत और दीपक प्रजापति जी। सर दोनों को डिस्चार्ज किया था? दोनों को डिस्चार्ज किया। सर टोटल कितने आरोपी थे इसमें? इसमें है 7 आरोपी। अच्छा, अभी अपन ने गिरफ्तार कितने कर लिए सर? 5 कर लिए हैं जी। कौन कौन से गिरफ्तार हो चुके हैं सर? अब वो इतना डिटेल तो अब मेरे पास उसकी डिटेल नहीं है जी। जी शेष जो बते हैं उनका नाम है पता सर? शेष में सौरभ यादव, पारस तिवारी जी और राहुल महाते जी, 3 हैं। अब उसमें जो भी साक्ष्य होगी उस साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी जी। सर थैंक यू सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अभी कंदरपुरा छैकोर घाट पर कुछ दिन पूर्व सर आरक्षकों पर गोली चली थी रेत माफियाओं के द्वारा सर, उनमें से अभी आपने कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया है? आज कितने लोगों को किया? आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जी। एक है उपेंद्र यादव जी और प्रदीप उर्फ नाना जी, इनको अरेस्ट किया है। इनसे 2 आर्म्स बरामद हुए हैं, एक 315 बोर का कट्टा, 315 बोर की राइफल जी। टोटल कितने आरोपी हैं सर? टोटल 10 आरोपी हैं, जिसमें से 7 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं, 3 शेष हैं। 3 के अगेंस्ट जो भी साक्ष्य होगी उस आधार पर कार्रवाई करेंगे जी। सर कितना जो आरक्षक घायल हुए थे उनकी स्वास्थ्य और उनका नाम क्या है सर? एक है बिशन सिंह राजावत और एक दीपक प्रजापति, दोनों को ही हॉस्पिटल से दीपक प्रजापति तो फर्स्ट डे ही जी डिस्चार्ज हो गया था, बिशन सिंह राजावत 2-3 दिवस पहले डिस्चार्ज हो गया। जी सर थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।